नमस्कार दोस्तों, अर्रा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ और पालक के मिक्स पराठे। तो ये देखिए, हम बथुआ पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बथुआ लिया है और 250 ग्राम ये पालक लिया है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके बॉईल करेंगे। बथुआ और पालक के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बथुआ लिया था और 250 ग्राम पालक। दोनों चीज़ों को बॉईल होने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को मिक्सर में पीस लिया है। और यहाँ पर मैंने ये आधा कप हरा धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। आधा कप घी लिया है, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा लिया है, 2 चुटकी हींग ली है, 1 चम्मच नमक लिया है, स्वाद अनुसार ले सकते हैं आप, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। और यहाँ पर मैंने ये पानी लिया है 1/2 लीटर। और यहाँ पर मैंने ये 1/2 किलो आटा लिया है, गेहूं का आटा लिया है मैंने यहाँ पर। तो चलिए, पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम बथुआ को और आटा लगा करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच घी डाल लेते हैं। 2 छोटी चम्मच हमने घी डाल लिया है। और हम ये बथुआ डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं आटे में। और अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। ये लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, नमक डाल देते हैं, हींग और जीरा, और ये हरा धनिया। अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आटे में। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालना हमें पानी, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। अगर आप लाल मिर्च कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पर चटपटे बना रही हूँ। इस तरह हमने आटा को लगा करके तैयार कर लिया। ये देखिए, आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट लग के तैयार है। और अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए। तब तक हम लोई बना करके तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सूखा आटा ले लिया है और अब हमें लोई बना लेते हैं चकरे पे। इस तरह हम इस तरह की लोई बना लेंगे। आप जितना आटा लें उतना ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी, मीडियम बना रही हूँ इस तरह। इस तरह ये देखिए, मैंने 4 लोई बना करके तैयार कर ली है। अब हम बेलना शुरू करते हैं। मैंने ये थोड़ा सूखा आटा लेंगे, हम इस तरह चकरे पर लगा लेंगे। इस तरह हमें गोल बना करके तैयार करना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह हमें इसको गोल आकार में बेलना है। अब हम पराठे को चेक कर लेते हैं इस तरह, ये देखिए। और इस पे हम ये घी लगा देते हैं। अब हम दूसरी तरफ भी पलट लेते हैं पराठे को। इस तरफ भी हम घी लगा देते हैं। इस तरफ सेक गया है, हमें इसको खरा सेकना है, यानी कि बिल्कुल ब्राउन होने तक इसको सेकना है, हमें इसको कच्चा नहीं रखना है। तो इस तरफ हम सेकने देते हैं इसको। तो ये देखिए, हम चेक करते हैं, इस तरफ भी पराठा हमारा सेक के तैयार है। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह ये देखिए, पराठा हमारा कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स। तो अब हम दूसरे पराठे को भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हम सभी पराठे को सेक करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए, पराठे हमारे बन करके तैयार हैं। हमने पराठों को बना करके प्लेट में करके रख लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, पराठे हमारे सेक करके तैयार हैं। हमने पराठों को सेक करके तैयार कर लिया है। तो
तो पराठे हमारे बहुत अच्छे भी सीखे हैं, आप देख सकते हैं। और आप इसे मीठी चटनी या फिर हरी मिर्च की चटनी के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, तो चाय के साथ भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो बथुआ और पालक के पराठे हमारे कैसे लगे ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।